डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम डीएम मिश्र की गजलों पर बात करते हैं। डीएम मिश्र की गजलें आम जन से सीधे सीधे सरोकार रखने वाली गजलें हैं। डीएम मिश्र एक ऐसे शब्द शिल्पी हैं जिनके यहां शब्दों को सजाने की जगह आम आदमी की जिंदगी को संवारने और सजाने की जद्दोजहद की जाती है। शब्द उनके यहां एक आंतरिक पुकार से रचना का रूप लेते हैं। बहुत ज्यादा कहने से बेहतर होगा कि हम सीधे डीएम मिश्र की गजल को देखते हैं। एक गजल है, आग जलाकर रखो मौसम नम ज्यादा है, मुस्काने की वजह तलाशो गम ज्यादा है, सूरज डूब चुका है फिर जाने कब निकले, उम्मीदों के दीप जलाओ तम ज्यादा है, मेरी बस्ती के लोगों के चेहरे देखो, आंखों में है खुशियां कम मातम ज्यादा है, घबराओ मत खुलते खुलते खुल जाएगा, बाली उम्र है शायद अभी शर्म ज्यादा है, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम, देर करो मत मारो चोट की लोहा अभी गरम ज्यादा है, एक समंदर उसके आगे छोटा पड़ता है, नन्ही सी मछली है लेकिन दम ज्यादा है। दूसरी गजल है, खिली धूप से सीखा मैंने खुले गगन में जीना, खिली धूप से सीखा मैंने खुले गगन में जीना, पकी फसल में देखा मैंने खुशबूदार पसीना, अभी तो मेरे अम्मा बाबू दोनों घर में बैठे, अभी तो मेरा घर ही लगता मक्का और मदीना, अगर न होते लोग साथ कितने हिचकोले खाता, कर गया कैसे पारो दरिया छोटा एक सफीना, कहां ढूंढने निकले हो अमृत इस अंध गली में, अगर जिंदगी जीना है तो सीख लो बिस भी पीना, कई हुकूमत देख लिया है सदियां गुजर गई हैं, बहुत बार टकराया तेरा खंजर मेरा सीना। तो इस तरह डीएम मिश्र की गजलें आम आवाम से, आम आदमी से और हमारी जिंदगी से बहुत करीब आकर बात करती हैं और आपकी गजलों को पढ़ते सुनते देखकर एक सुकून मिलता है। डीएम मिश्र की गजलें पढ़ी जानी चाहिए। धन्यवाद।